पवन कुमार जी अमरोहा उत्तर प्रदेश से आप पूछ रहे हैं कि गुरुजी घर में कनेर का पौधा लगा सकते हैं क्या। तो देखिए, घर का मतलब है घर का, घर की चार दीवारी। जितनी दूरी में आपका घर है तो घर में तो जगह होती नहीं, क्योंकि सब जगह फर्श बना रहता है। आंगन में कहीं कहीं कच्चा हो सकता है, तो घर के अंदर इस तरह के पेड़ पौधे नहीं लगाने हैं। हाँ, घर के बाहर अगर आपकी चार दीवारी है बड़ी और अंदर खाली जगह है, तो वहाँ पर भगवान की पूजा के लिए फूल के पौधे तो लगाने पड़ेंगे। पेड़ ऐसे लगाने पड़ेंगे जिनसे हमको प्रतिदिन ताजा फूल भगवान की पूजा आराधना के लिए उपलब्ध हो जाए। हमको घर से बाहर निकल करके लोगों को स्पर्शास्पर्श दोष से भी बचना है। सवेरे स्नान किया, स्नान करके बाड़ी में ही चले गए, वहाँ से फूल चुन के ले आए, भगवान को चढ़ा रहे हैं, आनंद हो रहा है। तो उसके लिए अगर घर के अंदर इस तरह के पेड़ नहीं होंगे जो हर समय फूल देते हों, तो आप कहाँ से फूल लेके आओगे? फिर वही बासी फूल माली के यहाँ से खरीदोगे जो कई दिनों का बासी है, उसको फूल चढ़ाने से आपको पुण्य भी नहीं होगा, मन भी नहीं भरेगा। ताजा फूल अलग बात होती है, बासी फूल की अलग बात होती है। तो इसलिए घर में लगाना पड़ेगा। और कनेर ऐसा पौधा है, ऐसा वृक्ष है कि वो सदा सदा रहता है, थोड़े दिन के बाद देख रेख भी नहीं मांगता है और फूल रोज देता है। और कनेर की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और बहुत पुराना ये वृक्ष है। इसीलिए आप देखिए, वराह पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, भागवत जी में वर्णन आया है कि भगवान गोपियों के सामने प्रकट हो रहे हैं सज धज के, सजे क्या है। तो और बहुत कुछ उसमें बताया है, उसमें एक चीज ये भी बताई है कि कानों में कनेर के फूल लटकाए हुए हैं कुंडल बना करके। तो इसका मतलब है कि ये कनेर का फूल तब से है, आज से नहीं, बहुत पुराना फूल है और भगवान को अपने पसंद भी है। इसलिए इस फूल को जरूर घर में लगा लीजिए, ताकि आपको फूल के बारे में निश्चिंतता बनी रहे। नारायण।